हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल के ब्यूटी हैक्स पर। हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन, क्योंकि रक्षाबंधन जल्दी ही आने वाला है। हालांकि वो नेक्स्ट मंथ में है, तो हम लोग अभी से तैयारी करें। किस किस ने सेवैयाँ बना ली, किस किस ने नहीं बना ली, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग घर में अच्छे से रह रहे होंगे। कोरोना मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारे शहर में बहुत सारे कोरोना मरीज हो गए हैं। जैसे आज ही आई थिंक 55 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सेस एंड लैब में बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव आए। तो प्लीज़ सब आप लोग घर में ही रहिएगा, और घर जितना हो सके घर में रहिएगा। जितना ज़रूरी होता है बाहर जाएंगे तो प्रिकॉशन के साथ ही जाएगा। मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड इज डॉक्टर, और वो बाहर जाते हैं इतने सारे मरीजों को देखते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं टेंशन बनी रहती है। तो हाँ, तो हम लोगों को पूरा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें करते हुए मैं आपको पका रही हूँ, इसलिए बातों को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगी, प्लीज़ आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मैंने बहुत से लोगों को वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और हम मोटिवेट होंगे और आपको कुछ बहुत अच्छे से अच्छा और वीडियो ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ बस आपको करना है क्या, सिंपल सा सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके हिट करना है और वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, पैसे भी नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, इंस्टेंट लड़कियाँ, गर्ल्स, मोस्टली गर्ल्स जो जीन्स, क्रॉप टॉप्स और वाइट मतलब पहनती हैं, और उनके पास बहुत टाइम ही होता है, कॉलेज जाना है या फिर फ्रेंड के साथ पार्टी पर जाना है, तो अपनी हेयर स्टाइल को वो कैसे, हेयर को अगर उनके लंबी है तो अपने बालों को कैसे हेयर स्टाइल कर सकती हैं। तो मैं ऐसे आपको बहुत सारी हेयर स्टाइल्स हैं जो आपको बता सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको सिंपल सी कर्लिंग वाला हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। आपको बालों को कर्ल करिए, इसके बाद कैसे हेयर स्टाइल बना सकते हैं वो मैं आपको आइडिया देने वाली। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। करना पड़ेगा कर्ल करने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेटनर चाहिए। और ये शायद किस ब्रांड का, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, केमी पता नहीं क्या करके है, इसको मैंने मंगाया था ऑनलाइन। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जल्दी ही आपको फ्लिप्स का लेके ले लूँगी, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर फट गया तो मेरे मुंह पे फटेगा। तो सबसे पहले आपको करना है अपने स्ट्रेटनर को गर्म करना है, इसके बाद अपने बालों के स्ट्रेच सेक्शन लेने, उनको टाइट से इस तरीके से फोल्ड करना है। आप चाहे तो अपनी हेयर स्प्रे, हेयर जेल कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास सुटेबल आप वो कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ट्रिक बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास नींबू है तो आधा नींबू लीजिए, आधे कप पानी में निचोड़िए और स्प्रे बॉटल में भरिए और अपने बालों पे स्प्रे कर लीजिए, एकदम परफेक्ट काम करता है। बस बालों को लेना है, इस तरीके से प्रेस करना है, 3 से 4 बार प्रेस करते जाइए बालों को। इसके बाद आपको यहाँ से लेना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हुए लाना है। आप जैसे 2 से 3 बार करेंगे ये, इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ सिंपल सा क्या करना है। अपने बालों को सिंपल सा धीरे से ओपन करिए और इन पे फिक्सर, या पर अगर आपके पास हेयर स्प्रे नहीं है तो मेकअप फिक्सर का भी यूज कर सकते हैं आप लोग। इस टाइप से आप अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। अब मैं दूसरा सेक्शन लेती हूँ, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको लेना है वो, तो आपको 6 से 7 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, जैसे आपके बालों की ग्रोथ है। अगर आपके बाल मोटे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर आप पतले पतले सेक्शन ले रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। अपने बालों को करिए, इसके बाद आप धीरे से इन बालों को ओपन कर लीजिए, देखिए कर
आप देखते हैं बाल में कितने अच्छे कलर आए हुए हैं। ऐसे मैं भी अपने और बालों को कल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस साइड भी अपने बालों को कल किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने बालों को कल कर लिया है, और देखिए कितना अच्छा सा कल निकल के आया है। आप इसी तरह से सारे बालों को कल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कुछ ही बालों को दिखाया है। अगर मैं सारे बालों को करूँगी, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं और सारे बालों को करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा आगे करके दिखा दिया। तो आप ऐसे कल कर सकते हैं। इसके बाद आपके साथ बहुत सारे इजी स्टेप हैं अपने बालों को। आप सारे बालों को यहाँ से उठाइए, पीछे जाके हेयर बेल्ट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए इस टाइप से, तो आपके बालों में एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल भी दिखेगा। इसके बाद नहीं चाहे तो आप अपने बालों को ऐसे जैसे मैंने खोल के रखा है, आप वैसे भी खोल के रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर्ल करें, आराम से पार्टी में जा सकते हैं। आप सारे बालों को नीचे से और आगे बालों को आप यहाँ से कर्ल कर लीजिए, बाकी पीछे बालों को आप सिर्फ नीचे नीचे कर्ल कर लीजिए, तो आपके लुक भी बहुत अच्छा आएगा और आपके बालों की लेंथ भी अच्छी दिखेगी। इस कर्ल से आपके बालों की लेंथ कम नहीं होती, अगर हम आउट कर्ल करते हैं ऐसे करके रोल वाले, तो हमारी लेंथ भी कम हो जाती है और बालों से छोटे दिखने लगते हैं। अगर हम ऐसे कर्ल करते हैं तो हमारे बाल बहुत सुंदर भी दिखते हैं और थोड़ा स्टाइलिश भी दिखते हैं। जीन्स पे हम अच्छे से कैरी कर सकते, टॉप्स पे भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरे हैक? बहुत ही इजीली और इंस्टेंट वाला है। आप कोई भी गर्ल जिसको मेकअप जिसको हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं आता वो भी कर लेगी। नहीं चाहे तो अपने बालों को यूँ उठाइए, इस तरीके से अपने बालों को ऐसे करके आप पिन भी लगा सकते हैं छोटा सा, तो हेयर बैंड सिंपल हेयर स्टाइल आप जाके अपने दोस्तों की पार्टी में एंजॉय कर सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए टाटा बाय।